वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता होगा ऑप्शन ट्रेडिंग विद 15 लाख एक प्लेलिस्ट है और यहाँ पे ये है स्ट्रेटजी 37 मिनट का एंड दो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 9 नवंबर से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आज का डेट है 13 नवंबर और आज की जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस वो भी अपलोड हो जाएगा शाम को 8 बजे के आसपास। ओके, सो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम छोटा सा अपडेट कर रहे हैं। ये भी जो स्ट्रेटजी है ना, प्रॉपर स्ट्रेटजी यहाँ पे समझाया गया है ये 37 मिनट पे। स्क्रीन के ऊपर भी देखिए, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 एंड 3 करके आप पॉज करके रीड कर सकते हो कि एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस का मेथड क्या है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपने देख लिया, समझ लिया। अब चलते हैं अपडेट्स की ओर। ये देखिए, मैंने चार्ट ओपन किया, निफ्टी बैंक 1 डे टाइम फ्रेम एंड 9 पीरियड मूविंग एवरेज हमने लगाया। अभी तक हमने क्या कर रहे थे कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर अगर चल रहा है किसी भी कैंडल, मान लीजिए यहाँ पे कैंडल क्लोज दे दिया 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। अगर ये नीचे पर यहाँ पे क्लोज दे देता नीचे में, तो हम क्या करते, नेक्स्ट डे पुट ऑप्शन परचेस करेंगे। लेकिन पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए सर्टेन कंडीशन है, जो यहाँ पे देखिए एलिगेटर डीएमए बुलिश या बेरिश क्रॉस ओवर होना चाहिए, एडीएक्स 19 के ऊपर होना चाहिए, कुछ सडन कंडीशन है जो लाइव मार्केट में अप्लाई करके हम पोजीशंस लेते थे। अभी जस्ट सिंपल एक चेंजेस है, ये जो एंट्री लाइव मार्केट में जो एंट्री एग्जिट का जो कंडीशन है वो तो सेम रहेगा, हम लाइव ट्रेडिंग करके भी देखेंगे। लेकिन चीजें ये है, यहाँ पे ये चेंजेस हो रहे हैं। आज के दिन देखिए यहाँ पे 14,000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया, लाइव ट्रेडिंग वीडियो हमको 8 बजे के आसपास अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो ये है, अभी तक हमने जस्ट 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कॉल बाय करते थे, लेकिन कॉल बाय करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि आज का डेट क्या है, 13 नवंबर हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन बाय किया। क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग, इसकी जो क्लोजिंग उसके प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर होना चाहिए, दैट्स व्हाई हम आज कॉल ऑप्शन परचेस किया। सो कॉल बाय के लिए 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग उसके जो प्रीवियस कैंडल है उनके ऊपर होना चाहिए। आज 13 नवंबर है और हम नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करेंगे, 14 नवंबर तो हॉलिडे है, मान लीजिए 14 नवंबर ट्रेड होगा और 14 नवंबर को हम ट्रेडिंग करेंगे, तो क्या देखेंगे, आज के दिन के 13 नवंबर की कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल की ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर तो नहीं हुआ है, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, आज के दिन के कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे हुआ है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह की सिनेरियो में हम कॉल बाय करने के बजाय हम करेंगे पुट शॉर्ट विद प्रॉपर हेज, कैसे करना है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, अगर 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ओके, और प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग उसके प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर हो रहा है तो कॉल बाय, अगर ऊपर नहीं हो रहा है तो हम करेंगे पुट शॉर्ट। एज वेल एज मान लीजिए ये नीचे क्लोज दे दिया और आज के दिन की कैंडल भी उसके नीचे क्लोज दे दिया, प्रीवियस डे कैंडल की जो क्लोजिंग यहाँ पे था एंड आज के दिन की कैंडल इस पॉइंट पे क्लोज दिया, तो हम पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, इस तरह कैंडल बन गया, ठीक है, क्लोजिंग इसके थोड़ा ऊपर हो गया, तो हम क्या करेंगे, पुट बाय करने के बजाय वहां पे करेंगे कॉल शॉर्ट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज ना देते हैं तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडिसिशन जोन बन जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वहाँ पे ऑप्शन बाइंग के बजाय हम ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करेंगे उस पर्टिकुलर डे में। तो 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है कैंडल, यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग और आज के दिन की क्लोजिंग भी इस पॉइंट पे अगर हुआ है तो नेक्स्ट डे हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। अगर क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे कैंडल की हायर हो रहा है कॉल ऑप्शन बाइंग करते जाएंगे, अगर नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, पुट को शॉर्ट करेंगे कॉल ऑप्शन के बजाय। ओके, तो ये था छोटी सी अपडेट। सो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सेलिंग कैसे करना है, कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट जो भी है कैसे करना है। जैसे कि आज के दिन मान लीजिए, आज के दिन हमने क्या किया, आज हमने कॉल बाय किया, क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल है प्रीवियस डे कैंडल को हम हमेशा देखेंगे आज के दिन ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस डे कैंडल यानी 12 नवंबर को यहाँ पे देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग डे था, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर हुआ, दैट्स व्हाई आज हमने कॉल ऑप्शन बाइंग किया। अगर ये इसके इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाते तो हम क्या करते, पुट को शॉर्ट करते। तो पुट शॉर्ट कैसे करेंगे, जैसे ही आपको इंडिकेशन, जिस तरह हम बाय कर रहे थे, बाइंग कंडीशन क्या था कि एलिगेटर में भी बुलिश क्रॉस ओवर होना चाहिए एंड डीएमआई में भी बुलिश क्रॉस ओवर होना चाहिए एंड एडीएक्स 19 के ऊपर होना चाहिए, तब हम क्या करते, हमें कॉल ऑप्शन बाय करते। लेकिन यहाँ पे क्या है,
शॉर्ट करने के लिए एडीएक्स को इग्नोर कर दो, एडीएक्स को छोड़ दो, सिंपल यहाँ पे जैसे ही बुलिश क्रॉसओवर मिल जाएगा तो अब जाके आपको करना है पुट शॉट, ठीक है। मतलब जैसे कॉल ऑप्शन एंट्री के लिए एंट्री था, सिंपल पुट ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए भी एंट्री सेम ही है। डिसीजन हमने ले लिया कि यहाँ पे हमको करना है पुट शॉट। तो अब आएगा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। स्ट्राइक प्राइस जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होंगे उस टाइम, जैसे कि मान लीजिए 43,866, इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन से होंगे, 43,900 ऑब्वियसली। तो आइए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ 43,900 पुट को, यानी एटीएम नियरेस्ट एटीएम जो स्ट्राइक है उनको हम करेंगे शॉर्ट, ओके। एंड इसके साथ हम जो हेज करेंगे वो होगा कि जिसका प्रीमियम 10 के आसपास है, ठीक है, 10 रुपीज के आसपास है, अप्रॉक्स 10 रुपीज, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 9 रुपीज है तो भी चलता, 8 रुपीज है तो भी चलते, ओके। तो नियरेस्ट वाला जो भी है उन स्ट्राइक प्राइस को हम चूज करेंगे, मोर देन 12 नहीं होना चाहिए, लेस देन भी चलेगा, ओके। तो इस स्ट्राइक को हम कर देंगे बाय, ठीक है, इसको पहले शॉर्ट करेंगे, इसको हम बाय कर लेंगे ताकि हम ज्यादा क्वांटिटी ले पाए एंड इंट्राडे में स्क्वायर अप भी करना है। ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस, लेकिन जो एक्सपायरी है वो होगा नियरेस्ट होना चाहिए। अभी हम ऑप्शन बाइंग क्या कर रहे थे, ऑप्शन बाइंग में हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी को सिलेक्ट करते थे, यानी अभी नियरेस्ट एक्सपायरी 15 को है लेकिन हम 22 एक्सपायरी का सिलेक्ट करके हमने आज ट्रेड किया, ये देख सकते हैं, ठीक है, ताकि टाइम डिके कम हो, ओके। लेकिन सेलिंग के लिए हम नियरेस्ट एक्सपायरी को सिलेक्ट करेंगे ताकि टाइम डिके का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। जस्ट यहाँ पे चेंजेस हुआ है, कॉल ऑप्शन बाइंग के बजाय हम यहाँ पे पुट ऑप्शन शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर नीचे है तो पुट ऑप्शन बाइंग के बजाय हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट भी कर सकते हैं, इतनी सी चेंज है। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, एडीएक्स को इग्नोर करके जैसे ही बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा आपको कर लेना है एंट्री, और तीनों सिनेरियो का जो एंट्री था वो सेम था, सेम कर सकते, तीन ट्रेड कर सकते, सारे चीजें सेम रहेगा, वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। तो ये था छोटी सी अपडेट जो मैंने आपको बता दिया, और ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से अप्लाई होंगे। वन मोर अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, हमेशा आपने देखा होगा कि जब एडीएक्स 19 के ऊपर आते हैं, जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करके रखा 19, इसके ऊपर जब आते हैं तभी हम बाय करते हैं, अगर बुलिश क्रॉसओवर भी मिल जाए एंड यहाँ पर भी 19 मूविंग एवरेज के ऊपर प्रीवियस डे क्लोज भी दिए हैं, सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तब भी हम एंट्री नहीं लेते थे जब तक 19 के ऊपर ना आ जाए, ठीक है, कुछ सडन कंडीशन है उनको जब तक चेक ना हो जाए तब तक हम एंट्री नहीं लेते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली 19 के ऊपर होना ही चाहिए, ये तो रहेगा ही, एंड साथ में जो इंडिया विक्स इनको भी ट्रैक करना, ठीक है, ये अगर 13 के ऊपर मिल जाए तो अब भी आप पोजिशन ले सकते हो, 13 मार्क करके रखें, तो यहाँ पे आप एंट्री ट्रिगर कर सकते हो अगर इंडिया विक्स 13 के ऊपर है, और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे एडीएक्स दिखाया, एडीएक्स 19 के ऊपर है, किसी भी एक अगर ऊपर में है, इंडिया विक्स 13 के ऊपर एंड एडीएक्स 19 के ऊपर, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये था छोटी सी अपडेट, आगे कुछ भी हमको लगेगा कि ये चीजें मॉडिफाई करना चाहिए हम मॉडिफाई करते जाएंगे, एंड वीकली या फिर मंथली बेसिस में आपको पीएनएल भी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कुछ भी क्वेरीज है फिल पी टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड।